नमस्कार। आज अपन बात करेंगे कि ऐसी वो कौन सी चार आदतें हैं जो इंसान को मानसिक रोगी बना सकती है, उसका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती है। ऐसी चार आदतें, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। क्या वो चार आदतें आपके अंदर तो नहीं है? ये ध्यान रखना आप, अगर ये चार आदतें, बुरी आदतें आपके अंदर हैं तो आप एक मानसिक रोगी है, आप एक मेंटल डिसएबिलिटी के शिकार हो सकते हैं। तो ये चार आदतें अपने अंदर से निकाल दें, उसको धीरे धीरे रिमूव करने की कोशिश करें, वरना वो आदतें धीरे धीरे, मेंटल आदतें आपके धीरे धीरे आपके शरीर को, बैलेंस को बिगाड़ेगी और आपके फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगी। उसमें फर्स्ट आदत है, मैं आपको बताऊंगा, तनाव। तनाव कम लें। अगर आप अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा तनाव लेंगे तो आप मानसिक रोगी के शिकार हो सकते हैं। आज की जिंदगी में लोग तरह तरह के तनाव लेते हैं, मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव, आर्थिक तनाव, सामाजिक तनाव, हर तरीके से वो आदमी तनाव से ही डिस्टर्ब रहता है। कभी कोई पारिवारिक तनाव हो जाता है, कभी कोई आर्थिक तनाव हो जाता है, पैसे से तनाव हो जाता है, कभी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा से रिलेटेड तनाव हो जाता है। हर तरह से तनाव, तनाव ही तो तनाव से जीता है। अपने आप को रिलैक्स रखें, इस तनाव भरी जिंदगी में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखें। अगर आप हर तरह से तनाव लोगे तो आपको चारों तरफ मन मस्तिष्क में अगर वही बात आपके घर करती रहेगी और आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। ये जिंदगी तनाव भरी जिंदगी है, लेकिन अपने आप को थोड़ा समय दें और इस तनाव से रिलैक्स महसूस करें, अन्यथा यह तनाव आपके लिए एक बहुत बड़ा रोग बन सकता है भविष्य में और आप मानसिक रोग के शिकार हो सकते हैं। इसलिए तनाव से हमेशा दूर। सेकंड, स्वयं को समय न देना। जो इंसान स्वयं को समय न देता है वो भी मानसिक रोग का शिकार हो सकता है। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हर आदमी आगे निकलना चाहता है, हर आदमी आगे निकलना चाहता है, खूब मेहनत करता है, खूब पैसे कमाता है, लेकिन क्या करता है, खुद को समय देना भूल जाता है। उस तनाव भरी जिंदगी में खुद को समय देना भूल जाता है और बस पैसे में लगा रहता है, बस मेहनत करने में लगा रहता है। सुबह उठता है जल्दी और शाम को लेट आता है, दिन भर दौड़ भाग करता रहे। अरे यार, आपको तो समय दो, ये जिंदगी निकल जाएगी, ऐसे ही दिन निकल जाएगी, वो दिन वापस नहीं आएंगे। अगर मानते हैं कि आपको इस दुनिया में ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाना है, लेकिन आप अपने आप को तो समय दीजिए। अगर आप अपने आप को समय नहीं देंगे तो आप वो पैसे और वो मेहनत वो किस काम की? एक समय आएगा जब आप उस स्टेज पर हो जाओगे तो आप वो पुराने दिन मिस करोगे कि शायद मैं भी उस वक्त इंजॉय करता तो ठीक रहता था। यार, हर चीज़ का, हर वक्त का एक समय होता है। आप खूब मेहनत करो, लेकिन अपने आप को तो समय दो। ध्यान रखना, अगर अपने आप को समय नहीं दिया तो आप मानसिक रोग के शिकार हो सकते हो। थर्ड, हेल्दी डाइट ना लेना। आज के टाइम में क्या है, आदमी सुबह भाग दौड़ के खाता है, ना तो नाश्ता करता है, ना कुछ, भाग दौड़ के ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस जाता है, फिर वह बॉस के काम करता है और बॉस की कभी डांट भी सुनता है, फिर वापस लंच होता है, लंच में जल्दी जल्दी खाना खाता है, मेरे को टारगेट पूरा करना है, मेरे को प्रोजेक्ट पूरा करना है, वो भी करता है, फिर शाम को घर आता है, शाम को भी भाग दौड़ के घर आता है, धना धना कुछ भी खा लेता है। अरे यार, आप क्या कर रहे हो? आपकी लाइफ को आपने मशीन बना दिया है। पता है आपको, इंसान का सबसे बड़ा धन उसका स्वास्थ्य है, उसकी हेल्थ है। आप लाखों रुपए कमा लोगे, लेकिन जब आप हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होंगे तो वो लाखों करोड़ों रुपए आपके किस काम के? वो धन आपका कुछ काम का नहीं आएगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो रुपया, पैसा, रुतबा कुछ भी काम नहीं आएगा। अपनी डाइट पर ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। जब आपकी हेल्थ सही होगी, जब आप अच्छे होंगे तो थोड़े पैसे भी आपको सुख प्रदान कर देंगे, और जब आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो लाखों रुपए भी वो आपके कुछ काम नहीं आएंगे। इसलिए ध्यान रखें, अपनी हेल्थ को डाउन ना होने दें। हेल्थ ही आपका सबसे बड़ा धन है। और नंबर फोर्थ, पर्याप्त नींद न लेना है। लोग पर्याप्त नींद भी नहीं लेते, दिन दिन भर काम करते हैं, कभी कभी रात को ओवर टाइम भी काम करते रहते हैं। अरे यार, ये नींद न लेना आपको मानसिक रोग का शिकार ले सकती है, आपको मानसिक रोगी की तरफ धकेल सकती है।
हमेशा पर्याप्त नींद लें। नींद लेने से शरीर में ऊर्जा आती है, एक शरीर रिलैक्स महसूस करता है, अपने आप को तरोताजा महसूस करता है शरीर। अगर आप एक स्वस्थ इंसान को 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, वो भी मतलब गहरी नींद, ऐसे नहीं कि आप सोए और बीच में उठ गए, ऐसी नींद नहीं, गहरी नींद होनी चाहिए, तभी आप जिंदगी में ऊपर उठ पाओगे। यदि आप अपने शरीर को फ्रेश मिल महसूस कर पाओगे, तभी तो आप फ्रेश महसूस करोगे, तभी तो आप कुछ नया कर पाओगे। आप अपनी नींद बराबर नहीं लोगे तो आप ऑफिस में आपको जबकि आएगी, आप कहीं काम करने जाए फैक्ट्री में तो वहां आपको जबकि आएगी, हर जगह आपको मतलब आपका शरीर अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो ऐसा क्यों, अपने आप को पर्याप्त नींद ले। अगर आप नींद नहीं लोगे तो आप उस शिकार, मानसिक रोग के शिकार की तरफ बढ़ते जाओगे। ध्यान रखो, ये 4 आदतें मैंने बताई है आपके जीवन में, अगर ये 4 में से कोई भी एक भी आदत हो तो निकाल देना, वरना आप मानसिक रोग की तरफ जा सकते हो और आप उस शिकार में घुस सकते हो और आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है। इसी के साथ आज यही, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।